हमीरपुर जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई है, जिसके अंतर्गत जागरूकता रैली को हमीरपुर जिलाधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने मुख्यालय के स्टेडियम परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान आज मंगलवार से 17 नवंबर तक जनपद में चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत लोगों को संचारी रोगों के विषय में बताकर जागरूक किया जाएगा। इसमें स्वच्छता, साफ सफाई सहित वेक्टर जनित वातावरण को समाप्त करने की गतिविधियां संचालित होंगी। सर्दी, जुकाम, बुखार, पीड़ित टीबी रोगी, डेंगू, मलेरिया, कुपोषित बच्चों व अन्य मरीजों की सूची तैयार कर सैंपल और स्लाइड तैयार किए जाएंगे। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीमें तैयार की गई हैं। जन जागरूकता कार्यक्रम के साथ साथ एंटी लार्वा फॉगिंग का कार्य भी कराया जाएगा। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर ए के रावत, एडीएम सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ये जो है पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो आज ये संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारम्भ किया गया। यह 19 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक चलेगा, पूरे एक माह का अभियान है। इसी के साथ ही जो है आज भी दस्तक अभियान का भी शुभारम्भ हुआ है, जो कि 23 अक्टूबर तक चलेगा। ये आम जनता में जन जागरूकता पैदा करने के लिए और जो संचारी रोग है, डेंगू है, मलेरिया है और वायरल फीवर है, इनसे बचाव के लिए जो है ये अभियान चलाया जा रहा है, और जिसमें कि आज ये जागरूकता रैली निकाली गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।